होम आइसोलेशन हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल करने के लिए बनाए गए एमओआईसी व रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, प्रभारी एसडीएम सदर विपिन कुमार सहित टीम के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला अधिकारी ने टीम के सदस्यों को निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख में कोई कोताही नहीं बरतें, सभी का उचित देखभाल करें जिससे कोई भी मरीज की मौत ना हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि 23 अर्बन पीएसी और करीब 40 टीमें घर में आइसोलेट किए गए लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 90% पॉजिटिव लोग घरों में आइसोलेशन पर हैं जिसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, इसका क्या क्या चीज़ें और की जा सकती है, जब जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अभी सर, आपको पूरा एक ओवरव्यू भी सर आपको। देखिए, आप सभी तो शुरुआत से ही तो जानते हैं हम कैसे ये कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। वैसे फरवरी से ही लगातार सरकार और पूरे दुनिया लड़ रही है और यहाँ गोरखपुर में भी धीरे धीरे लड़ाई तो और सीरियस होते जा रही है। सीरीज इसलिए होने जा रही है, उसका दो तीन वजह है। पहले हम लोग इतने टेस्ट तो करते नहीं थे, अभी तो टेस्ट करने के बाद हम लोग का मैग्नीफाइड दिख रहा है सब, वो तो इतने हैं क्या उसी टाइप का। और पहले लॉकडाउन का हम लोग को ज़्यादा हम करना नहीं था कि ये वायरस है जो आदमी का मूवमेंट का प्रोपोर्शनली बढ़ता है, जितने आदमी मूव करता है उतने तेजी से ये वायरस भी मूव करता है, इतने के हिसाब से इन्फेक्शन रेट भी बढ़ता है। फिर वो जो रेशियो है उसी के हिसाब से कोमॉर्बिड कंडीशन और किसी का बुजुर्ग है उन लोगों का फैटालिटी रेट भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट का भी तो यही कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। नंबर के ऊपर गवर्नमेंट का भी जा नहीं रही है ताकि वो जानते हैं कि गवर्नमेंट के नंबर बढ़ेगा, नंबर और जाना पड़ेगा, बढ़ते जाएगा। और सरकार का भी एक ही एजेंडा है, हम कैजुअलिटी कम कर रहे हैं, मतलब किसी को मरने नहीं देना। मरने की वजह क्या है, अभी तो अब तक कल डेटा तक 58 मौतें गोरखपुर को हो चुकी है, सब कोमॉर्बिड फैक्टर के साथ ही थे जो मरे हैं। जो भी किसी के सांस का बीमारी है, क्रॉनिकली इल है, डायबिटीज है और कहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है। जब पैरामीटर कोमॉर्बिड का गिनेंगे 10 से 15 पैरामीटर, डिफरेंट बेनिफिट्स इन दैट पैरामीटर। एज में तो हाँ डेफिनेटली तो जो दो से ज्यादा होता है तो फिर डेली ये कॉकटेल बन जाता है। तो ये है उसमें तो ठीक है, बिकॉज वो प्रकृति के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते, बट उस पर ज्यादा तरह का केसेस ऐसे हुआ है, ऑलमोस्ट 92 गोल्डन आवर है, गोल्डन डे से वो मिस हो गया था। ताकि पहले सिस्टम नहीं था, सिस्टम एवॉल्व होने में समय लग गया था और उनको भी इतने सीरियसनेस पता नहीं था, बिकॉज एसिम्टोमेटिक शुरुआत में एक सप्ताह तक एसिम्टोमेटिक था, फिर धीरे धीरे अचानक आंसर था, एक दो दिन में कोलैप्स होकर के हो गए। अभी सुबह सुबह घटना दो घंटे पहले ही बता देता हूँ, राजेश श्रीवास्तव करके है, वरिष्ठ नेता है कोशिश पार्टी का, कल उनको फोन आया था, वो उन्होंने बताया था 4 दिन पहले अभी डिटेक्ट हुआ है, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, तो उनका परिवार से किसी को फोन आया था, उन्होंने बताया तो उनसे बात कर लो, फिर उनने तो बोलते वक्त ही तो फिर उनको सांस खुलवा था, तो क्यों इतने सीरियस सब क्यों घर पर बैठे हैं बता दे, सब मैं सही मैं सोचा हूँ सही हो जाएगा। 4-5 दिन घर पर रह चुके, वो घर वाले भी अकेले उनके कमरे में छोड़ दिए, लेकिन ऊपर उनके नंबर लेने के बाद तो तुरंत हमने सीमो साहब से बात करके एम्बुलेंस भेजा, वो गए तो कल शाम को उनको भर्ती कर पाए फातिमा को। आते आते सैचुरेशन लेवल 70 था, उसके बाद फिर उनका बाईपास में डाला गया था, 40 हुआ है, इन हुआ है, 50 कोलैप्स 2 घंटे पहले हुए, मतलब ये तो पता नहीं जाने अनजाने में किए कैसे किए हैं। एक एक केस एक संदेश देती है, पर एक स्ट्रॉन्ग संदेश तो थी कि कोमॉर्बिड फैक्टर की कि वो जो कैसे लाइफ स्टाइल है वो हम लोग के हाथ पे नहीं है। दूसरा फैक्टर हमने बताया 90% केसेस का जो है बचाने की चीज़ है वो हम लोग के हाथ पे है, तो हम इतने जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं राधा मैन, वो तो 5-star फ्लाइट कहते हैं ना, तो वही चीज़ रिस्पॉन्ड होता है टाइप ऑफ अर्जेंसी, हम तो उसको तो साथ लड़ रहे हैं नहीं तो भाग रहे हैं, हम तो लड़ना पड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे विचार तो हम लोगों को भी मुझे बताया गया, तो हम सब फोर फ्रंट वॉरियर बिहार को फाइट।
कंडीशन हो गया। अभी तो चार दिन पहले यहाँ एसजीपीजीए की टीम आई थी, चौपर से आए थे, यहाँ जो यहाँ का एलटू फैसिलिटी और हमारा जो बीआरडी फैसिलिटी सबको एग्जामिनेशन किए थे, उन लोग जो कोर्स क्या क्या मेडिसिन उन लोग एडमिट कर रहे थे उसको भी अप्रिशिएट किए थे, बिकॉज तो जो यहाँ का कोर्स ऑफ मेडिसिन जो किस समय में क्या क्या एडमिट करना था सेम विद एसजीपीजीए, दो ही मेडिसिन है इसके लिए, ताकि इसको तो अब तक मेडिसिन है नहीं, इसको मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, बस एक तो ऑक्सीजन थेरेपी है, आपको जो आपको वाच ऑक्सीजन कितने घट रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के नीचे से पूरा अलार्म बेल शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ थेरेपी, आप कैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन से हम लोग कराते हैं सो दैट नेचुरली रिक्रूट होके आता है हम सबको। दूसरा एंटीकोएगुलेशन, एंटीकोएगुलेशन वो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट डिपेंड्स वो सिचुएशन जो डिमांड करती है उसी के, फिर बाकी चीज एंटी वायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, वो एवरीथिंग केस बाई केस डिफर होता है, बट एवरीथिंग इज फ्रॉम द लैब, बट रिकवरी रेट भी अच्छा खासा है, 98% सीरियस कोमॉर्बिड कंडीशन और फेटल केसेस हैं रिकवर्ड, 2% सकम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर उसके बाद फिर हम रिकवर नहीं कर पाते, वो 2% भी मैं आपको अभी मेरा चिंतित हूँ, लेकिन 2% में कोई भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी वो जो केवल बुजुर्ग भी आएंगे, उस पर हम लोग हाथ पे एक ही चीज़ है, रिस्पॉन्स हम लोग कैसे कितने जल्दी करें। अब या पहले से पीसीआर में मेरा 9.5 ईयर, बट एंटीजन में मोर देन 11-12 ईयर, मतलब वो दोनों में भी अंतर है, बिकॉज वो दोनों टेस्टिंग का स्टाइल अलग है, वो प्रोटीन बेस्ड एक टेस्ट होता है, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो अलग अलग तो है, वो उसका किस किस चीज़ के लिए करना है, बट फुट इन टोटल 10% एवरेज निकल रहा है मल्टी जा सकते हैं, क्योंकि एक भी पॉजिटिव आदमी अनरिलेटेड नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी बहुत बड़ा टाइप का मानना नहीं देना चाहिए, बस दो ही हम लोग का टारगेट है, एंड बस सिंपल टारगेट है, बट इससे डिफिकल्ट टारगेट है, बट आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल 10 कोमॉर्बिड लोग हैं, 3 लोग घर पे हैं और 7 लोग कहीं फैसिलिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं, हमें एक अंदाज बता दीजिए साहब, ये 3-4 बेड का जरूरत पड़ेगा, एडवांस में सो रहे तो रिजर्व रहेगा उसके लिए, बेड का भी फिलहाल समस्या नहीं है बिहार सफिशियंट बेड, बट वो नंबर डायनेमिक है इसलिए तो हम स्टैटिक नहीं कर सकते, रात को 12 बजे बन जाता है, 1 बजे बन जाता है, पर डिपेंडमेंट ऑक्युपेंसी अवेलेबल है। देखिए ये होम आइसोलेशन में कितने लोग रखे हैं उन्हीं लोगों को मॉनिटर कराने के लिए यहाँ का MOIC और रैपिड रिस्पांस टीम हम लोग बनाए थे, यहाँ तो करीब 23 अर्बन PHC है और करीब 40 हमारा टीम बनाए उसके लिए, जो घर पे कितने लोग हैं उनके जाकर के स्थिति जानेंगे, किसका तबीयत ख़राब है, किसी का स्थिति जो उपचार करने लायक है उनको ले आएंगे, उसको उपचार भी करेंगे, हम लोग मेन कंसर्न यही रहेगा आगे किसी को भी मौत होने नहीं देंगे, ताकि घर पे अभी इस समय में 90% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव लोग घर पे हैं, बट घर पे किस स्थिति पे है वो करने लायक रहने लायक है कि नहीं उसका जांच करा रहे हैं, और यदि तो उन लोग का तबीयत ठीक है, तंदुरुस्त है, जवान है, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी के कोमॉर्बिड फैक्टर है, किसी के BP शुगर है और उम्र भी ज़्यादा है, उनको उठा के ले आकर के हम इलाज कराएंगे ताकि वो मृत्यु रेट हम घटा सकते हैं। सर जो घर पे आइसोलेट है उनके लिए कुछ निर्देश है कि देखिए घर पे आइसोलेट मतलब देखिए और सावधान रहना है ताकि आपका केवल आप अपने जान को तो रिस्क में नहीं ले रहे हैं, आपका पूरा परिवार रिस्क में है, इसलिए और बाहर पहले हॉस्पिटल से 2 गुना सावधानी रहना होगा, बिना मास्क को घर का अंदर ही नहीं रहना चाहिए था आपको, अलग कमरा में रहिए, वॉशरूम यानी शौचालय अलग प्रयोग करिए, आपका बर्तन इर्तन अलग रखिए, बिल्कुल 10 दिन एक तरह व्रत रखना होगा, अलग ही रहिए, किसी भी सूरत पे घर से बाहर मत निकलना है और कभी भी किसी से बात मत करिए 10 दिन के लिए, ताकि आपका बातचीत से थूक से छींक से वो जो निकलता है उसी से वायरस फैलता है, मैं आपसे यही अपील करता हूँ, केवल आप रिस्क में नहीं है, आप पूरा परिवार को रिस्क पे लाएंगे, इसलिए और सावधान रहिए, कोई परेशानी तो तुरंत हमें कंट्रोल रूम में बात करिए और MOIC से बात करिए, 102 एम्बुलेंस आपके लिए 108 एम्बुलेंस आपके लिए इंतज़ार में है, तुरंत बात करिए, हम तुरंत आपको उपचार के लिए तैयार करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के अलावा जो होम आइसोलेशन के लिए भी एक अलग ऐप सरकार ने यूज़ किए हैं, ये ऐप में क्या है, लखनऊ से बैठ के और यहाँ हम लोग कंट्रोल रूम से बैठ के आपको मॉनिटर करते रहेंगे, आपका यदि
कोई ज़रूरी है चीज़ है उसका आप मैसेज डालेंगे तो फिर आपका उपचार आपके घर हम भिजवा देंगे, घर में टीम आकर के चेक भी कर देंगे। ये ऐप अनिवार्य है आपके लिए, ये ऑप्शनल नहीं है। यदि होम क्वारंटाइन आपने ऑप्शन किया है, ये ऐप अनिवार्य तौर से आपके मोबाइल में होना है। यदि 24 घंटे के अंदर आप डाउनलोड नहीं करते हैं, फिर आपको ले आ करके हम क्वारंटाइन में रखेंगे। ये मैंडेटरी है।